सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक के बाद एक नई खबरें जो है वो सुनने को मिलती रहती है। पर हम सभी जानते हैं कि रोजाना किसी न किसी को सम्मन भेजा जा रहा है पूछताछ के लिए। अब ऐसे में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिस पर उंगलियां उठाई हैं कंगना रनावत ने और मुंबई पुलिस पर साधा है निशाना। साथ में उन्होंने नाम लिया है उद्धव ठाकरे का भी। आखिरकार क्यों नाम लिया है उन्होंने उद्धव ठाकरे का, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिद्धम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। कल एक के बाद एक कंगना टीम ने लगातार कई ट्वीट किए। उन ट्वीट में जो था वो सुनना और देखना समझना जो है वो एक अलग ही परे पे जाता है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस की तफ्तीश चल रही है, उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कभी भी हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें ये पता चल पाए कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ क्या था। ऐसे में कंगना रनावत ने हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों को सामने लेकर आई हैं। जो बातें उन तक जाती हैं, उनको पता चलती है, वो उस पर सवाल जरूर उठाती हैं। मैं आपको बता दूं कि कल ही खबरें आने लग गई थी कि आज जो है महेश भट्ट को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, और उसी के बाद में कंगना रनावत को भी सम्मन जारी किया गया मुंबई पुलिस से बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए। साथ ही एक और बड़ी खबर आई कि करण जौहर के मैनेजर को सम्मन भेजा गया है पूछताछ के लिए, जिस पर कंगना टीम ने तुरंत देखते ही रिप्लाई किया है। और कंगना टीम ने कहा कि जब मुझे सम्मन भेजा जा रहा है मुझसे पूछताछ करने के लिए, तो करण जौहर की मैनेजर को क्यों भेजा जा रहा है? क्या इसके पीछे ये राज है कि करण जौहर सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के जिगरी दोस्त है? क्या ये वजह है क्या, ताकि साहेब को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो फंस ना जाए इस केस में, इसके चक्कर में उनको दूर रखा जा रहा है? जब मुझे सम्मन भेजा जा रहा है मेरी जगह मेरी मैनेजर को नहीं, तो फिर यहाँ पे करण जौहर से पूछताछ करने की बजाय उनके मैनेजर को क्यों पूछताछ की जा रही है? मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ये बातें सामने आई थी और इस बारे में भी कहा गया था कि पहले उनके मैनेजर से सम्मन जारी किया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद में जरूरत लगी तो करण जौहर को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। और ऐसे में कंगना ने तो सवाल उठा दिया है मुंबई पुलिस पे, उद्धव ठाकरे पे, आदित्य ठाकरे पे और करण जौहर पे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।